हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। अगर आप रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंटेंट देख चुके हैं जिससे आपका दिमाग पूरी तरीके से घूम गया है और आप किसी ऐसी सीरीज़ की तलाश में हैं जो आपको रिलैक्स कर सके, बहुत ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल ना करना पड़े, साथ ही वो आपको एंटरटेन भी करे और ऐसा नहीं है कि हॉलो हो, बस दिमाग बंद करके आपको देखनी हो, उसमें इमोशनल एस्पेक्ट भी हो, तब लुपिन सीरीज़ जो नेटफ्लिक्स पर है ये आपकी सारी डिमांड्स पर खरी उतरती है। इसको मैं 7.5 रेटिंग देती हूँ, कॉज इसमें कुछ लूप होल्स हैं, लेकिन अगर आप लुपिन के साथ बन जाते हैं, इमोशनल कनेक्ट बना लेते हैं, तो अब आप उन लूप होल्स को आसानी से इग्नोर भी कर सकते हैं। इसका सीज़न 3 आया है जिसमें कि 7 एपिसोड्स हैं और उन एपिसोड्स का रन टाइम लगभग 50 मिनट के आसपास का है। सीज़न 3 देखने के पहले आपको सीज़न 1 और 2 देखना ज़रूरी है, बिकॉज कहानी एक कंटिन्यूएशन में चलती है। लेकिन डरिए मत, बहुत बड़े सीज़न नहीं है, पहले सीज़न में 5 एपिसोड्स थे, दूसरे में भी 5 हैं। देखिए, जब भी कोई इस तरीके की कहानी दिखाई जाती है जिसमें थेफ्ट या हाइस्ट होता है, तो उसको एक इमोशनल बैकिंग दे दी जाती है, उसको रिवेंज ड्रिवन बना दिया जाता है, जिससे जो की गई चोरी है वो जस्टिफाइड लगने लगती है। आप रॉबिनहुड की बहुत टाइम से चली आ रही कहानी को देख लें, जहाँ पर वो लोगों से पैसे लूटता था लेकिन उसका कुछ पार्ट गरीबों में बांट देता था, जिससे वो लोगों का हीरो बन गया था। अब यहाँ पर जो अर्ली 20th सेंचुरी में कहानी लिखी गई थी लुपिन अ जेंटलमैन बर्गलर की, उसका मॉडर्न रेंडेशन आप इस सीरीज़ में देखने वाले हैं। ये किसी का ज़्यादा नुकसान नहीं करता, और अगर गलती से इसे नुकसान हो भी जाता है तो बड़े ही सोफिस्टिकेटेड वे में उसे कंपेंसेट कर दिया जाता है। सीज़न 1 मुझे अच्छा लगा था, इसमें ये अपनी पिता की मौत का बदला लेता है, पता लगाता है कि आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या था। सीज़न 2 मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया था, सो लगा था। सीज़न 3 देखने के बाद मुझे अब सीज़न 3 ज़्यादा अच्छा लग रहा है कंपेयर टू ऑल द सीजंस, बिकॉज इस सीज़न का इमोशनल एस्पेक्ट काफ़ी अच्छा है। ये सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी एंड हिंदी व्यूअर्स के लिए हिंदी में भी अवेलेबल है और बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। बाकी मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इस सीरीज़ के साथ, ये मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीज़न देखना है, ये सीरीज़ स्टार्ट करनी है या नहीं। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब। सो अबाउट दिस सीज़न 3 ऑफ लुपिन, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो जो फर्स्ट और सेकंड सीज़न था उससे मेरी यही कंप्लेन थी कि हम लुपिन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, जो उसका रीसेंट पास्ट है फादर से रिलेटेड बस वही जानते हैं, बाकी उसकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई, मदर के साथ क्या कुछ हुआ, वो बहुत ज़्यादा नहीं डिस्क्लोज़ किया गया था। सीज़न 3 इन सारी परेशानियों को, जो ये सारे क्वेश्चंस थे, उनको सॉल्व कर देता है। लुपिन की मदर ऑल ऑफ सडन आ जाती हैं, जिनका किडनैप हो जाता है, और वो जो किडनैप करता है वो भी इन्हीं लुपिन के डिस्टेंट पास्ट से रिलेटेड है और इनसे गलत गलत काम करवा रहा है मदर को मारने की धमकी देकर। साथ ही यहाँ पर लुपिन अपने जो चली आ रही लाइफ है इसको भी बंद करने के लिए अपनी फेक डेथ प्लान करते हैं, लेकिन बीच में ये मदर का एंगल आने की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, वो अपनी फैमिली से कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, उनकी वाइफ की लाइफ अब अच्छी नहीं रह गई है, कॉज लोग उन्हें इस बर्गलर की वाइफ की तरह जानते हैं और सोचते हैं कि उनका भी इन्वॉल्वमेंट था, बच्चा अब काफ़ी बड़ा हो गया है, वो अपनी फादर की डेथ की वजह से बहुत ज़्यादा टर्मोइल है, उसे ऐसा लगता है कि फादर उसके अभी जिंदा हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और लुपिन अपने पुराने ही अवतार में हैं, बहुत ही जेंटलमैन, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड। अगर आप उनसे पहले सीजन से कनेक्ट हैं तब आपको अगेन उनको इस तरीके से देख के अच्छा लगेगा। बाकी हर कदम पर साथ देने वाले इनके दोस्त बेन भी आपको दिखने वाले हैं, जो इनके लिए इस बार काफ़ी बड़ी सैक्रिफाइस करेंगे, और साथ ही वो प्यारा सा डॉगी भी अगेन मिलेगा इस सीज़न में, और पुलिस के साथ जो इनका कैट एंड माउस का गेम है वो तो बैकग्राउंड में चलता ही रहेगा। सो क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव सीज़न में मुझे मिले हैं, मैं आपको बताने वाली हूँ। सो जो इस सीज़न का सबसे बड़ा पॉजिटिव मुझे लगा है, चाहे वो सीज़न 1 हो, 2 हो या 3 हो, कंसिस्टेंटली जो सबसे बड़ा पॉजिटिव रहा है वो है ONRC, जो लीड कैरेक्टर के फॉर्म में हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका, उनका वो स्माइलिंग फेस इतना परफेक्ट है, ऐसा लगता है वो इसी रोल के लिए बने हैं, और वो बड़ी ही बखूबी से इन सारी चीज़ों को, जो भी उस कैरेक्टर की डिमांड है, हम तक पहुंचा पाते हैं। सो कूडोस फॉर दैट, बढ़िया एक्टिंग। सेकेंड पॉजिटिव जो यहाँ पर हाइस्ट का और इमोशनल एस्पेक्ट का बढ़िया अमालगमेशन किया गया है, जिससे कहीं कहीं पर जो कहानी है ऐसा लगता है कि फैमिली ड्रामा चल रहा है, और जब एकदम से हाइस्ट आती है बीच में तो आप उस फैमिली ड्रामा से निकल के आते हैं, तो जो मोनोटनी है वो बीच बीच में ब्रेक हो जाती है, जो मुझे काफ़ी पसंद आई है। थर्ड पॉजिटिव, जैसे सपोज करें एक हाइस्ट होनी है तो जो उसकी स्टोरी चल रही है वो शुरू में इतनी बिजार लगने लगती है, ऐसा लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये क्यों दिखा रहे हैं, लेकिन जैसे ही उस पर्टिकुलर हाइस्ट का एंड आता है, सारी चीज़ों को जो शुरू से हो रही थी बिजार, उनको एक्सप्लेन कर दिया जाता है विद लॉजिक, विद रीजनिंग, जो आपको बहुत ही अप्रोप्रिएट लगती है, तो उस चीज़ से मैं काफ़ी सैटिस्फाइड हूँ, अपार्ट फ्रॉम सम लूप होल्स।
फोर्थ पॉजिटिव न्यू एज पेपी म्यूजिक के साथ जो सिनेमेटोग्राफी पेयर की गई है बढ़िया वाली, वो इस सीरीज को और ज़्यादा अपग्रेड करती है। जो फ्रांस को कैप्चर किया गया है उसके जो ब्यूटीफुल सीन्स हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी लगते हैं देखने में, एक बढ़िया सा समा बन जाता है जिससे आप और ज़्यादा देखना चाहते हैं उन सारी चीज़ों को जो ये सीरीज़ हमें बार बार दिखाती रहती है। फिफ्थ पॉजिटिव जो इमोशनल एस्पेक्ट है ना वो इस सीरीज़ का बहुत ज़्यादा बैलेंस है, चाहे वो फादर और सन का रिलेशनशिप दिखाया गया हो, हस्बैंड वाइफ का दिखाया गया हो, जो बैलेंस है वो बना रहता है। ऑल ऑफ सडन जब एक नया कैरेक्टर आ जाता है मदर का, तब भी जो इमोशंस दिखाए गए हैं वो बहुत सटल हैं। ऐसा नहीं है कि जो पुलिस और चोर का रिलेशनशिप दिखाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक कर कर दिखाया गया हो, हर समय चेजिंग सीक्वेंस दिखाए हों जो किसी किसी को बहुत इरीटेट कर सकते हैं, मुझे तो करते हैं, तो उनको भी बैलेंस रखा गया है। इवन यहाँ पर जब एक बैड गाय एज अ विलन आता है, पुलिस कमिश्नर दिखाया गया है, तो उसके भी पक्ष को समझने की कोशिश की जाती है और जो बदला लेने वाली चीज़ें हैं ना उनको भी बैलेंस रखा गया है। तो मुझे इमोशंस बहुत अच्छे लगे हैं इसके। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो जो पहला और बहुत बड़ा नेगेटिव मुझे इस सीरीज़ का लगता है वो इनका पासवर्ड क्रैक करने का तरीका है। ये आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ मिलियन चीज़ों में से वो बस एक चीज़ इमेजिन करते हैं और कोई एक तरीका भी नहीं है और बस वही उस चीज़ का पास कोड होता है, तो ये चीज़ मुझे लॉजिकल नहीं लगती है और बहुत ही टर्न ऑफ करती है। और इस चीज़ को इन्होंने बार बार रिपीटेटिव वे में दिखाया है। देन सेकेंड चीज़ हो जाएगी, बहुत ही स्ट्रेची किया है, 2, 5, 5 और 7 ही एपिसोड हैं अलग अलग सीजन्स में, लेकिन उसमें भी आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें प्रेस कर सकते थे या फिर थोड़ा और फास्ट दिखा सकते थे जिससे व्यूअर्स का इंटरेस्ट और ज़्यादा बना रहता। तो जहाँ तक मैं रेटिंग की बात कर चुकी हूँ कि मैं 7.5 out of 10 इसे देती हूँ, मैं इसे 8.5 भी दे सकती थी अगर वो पासवर्ड वाला जो क्रैकिंग वाली चीज़ है ना उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज़ कर देते और अच्छी तरीके से दिखा देते। बाकी यहाँ पर गोर वायलेंस है नहीं, प्रोफैनिटी नहीं है, जेंटलमैन शो है भाई, और अडल्ट सीन भी ऐसा आपको कोई नहीं मिलने वाले हैं, एक दो किस मिलेंगे, सो आप बच्चों को आराम से दिखा सकते हैं और समझ में भी आएगा, आराम से चलता है ये। सो अगर आप इस वीकेंड कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो आपके माइंड को रिलैक्स कर दे, देन गो फॉर दिस। हाँ एक बात और कहती हूँ, आप इसे बिंज वॉच करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये चलता है आप ऑल टुगेदर 3 सीजन देखने की कोशिश करेंगे आप बोर हो जाएंगे। सो आप ब्रेक करके सीजन देखें, मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। दैट्स इट, बाय।